बैठो। तो बताओ तुम्हारे अलग होने का क्या कारण है? हाँ, ऐसे समझिए कि जो होना था वो हो चुका है मिस्टर एमएल। क्यों? हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी, हम ऐसी चीजों से लड़ नहीं सकते। जैनब वाला किस्सा बहुत है हमारे लिए। पापा ने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया था। तो फिर इसमें तुम्हारे और मेरे लिए क्या है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं रुको, है। मुझे देखो, इस कमरे में जो भी मेरे डैड का था वो सब मैंने ले लिया। पहले मुझे लड़ना पड़ा, अपने आप को साबित करना पड़ा कि मैं उनकी जगह ले सकता हूँ, अपनी पहचान बनाई, काबिल बनने की कीमत चुकाई। अगर तुम अपने पिता से लड़ नहीं सकते तो तुम जीत भी नहीं सकते, ये बात तुम समझ लो। अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए या फिर इज्जत चाहिए या तुम्हें घर चाहिए तो तुम्हें अपने से ज्यादा की मांग करनी चाहिए, जितना है उससे ज्यादा, तो ही तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो एक आम आदमी की तरह वहीं के वहीं रह जाओगे। मैं सिर्फ एक नाई हूं, क्या फर्क पड़ता अगर मैं खुश नहीं हूं तो? बड़ा सोचो, अपनी खुद की दुकान खोलो। कैसे? मुझे नहीं पता, तुम सोचो। जो तुम पर भरोसा करते हैं तुम्हें उधार दे सकते हैं, जैसे कि मैं। ठीक है, मगर तुम मेरे लिए इतना क्यों करोगे? तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। जितना तुम्हें लगता है उससे कई ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। तुम इसके बारे में सोचो, मगर पहले तुम खुद के बारे में सोचो। सब यही करते हैं। हाँ बोलिए। मिस्टर ऑन्डर आए हैं सर। ठीक है, अंदर भेजिए उन्हें। क्या ये तुम्हारा कमरा है? क्या बात है, तुम्हारी तो निकल पड़ी। तुम वाकई में बहुत बड़े आदमी हो भाई। तुम भी ना। मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, जो देख रहा हूँ मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। भाई मैं सिर्फ प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए आया हूँ, ये सिर्फ अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं है ये। भाई ओ, तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? शायद तुम्हें सच में मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम अभी मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगे हो, क्योंकि अब तुम ज्यादा दूर रहते हो। भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो जब मैं आया था तब भी तुम ऐसे ही बोल रहे थे, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों की रगों में एक ही खून है। केमाल, मुझे किसके साथ समस्या है बताओ? तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कुर्सी तो मेरे पे बिल्कुल नहीं जचती, मेरे लिए है ही नहीं। आओ भाई चलो, हम दोनों डैड के पास चलते हैं। चलो दोनों भाई बाहर चल के कोई अच्छी जगह पर पीते हैं, खूब सारी बातें करेंगे, दोनों का दिल हल्का करेंगे। आओ चलते हैं। केमल बस दो मिनट के लिए शांति दे दो, तुम्हें नहीं लगता आजकल हम कुछ ज्यादा ही दुखी हैं? हाँ? बताओ मुझे, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं तुम्हें? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब से तुम आए हो केमाल, हमारी शांति खत्म हो चुकी है। क्या मैं गलत हूं बताओ मुझे? जब तुम उस कुर्सी पर बैठोगे तो सोचना कि तुम अपने विरोध में किसे रखोगे। हम तो अब ऊब चुके हैं, वो आदमी मुझे उसके पास जॉब ऑफर कर रहा है, मैं तो बस पापा की दिक्कतें कम करना चाहता हूं। खैर हमारे लिए कहानी तो वही रहेगी आखिर। सुनो भाई वैसा नहीं है, देखो डैड तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, तुम उनके पहले बच्चे हो। हाँ उनका पहला बच्चा, मतलब किसी पहली दर्द की तरह, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। देखो और सुनो, तुम्हें पता है उस परिवार में मैं मुखिया बनने के लिए काफी नहीं हूं, मगर तुम काफी हो। भाई बहुत हो गया, बस हो गया अभी, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों आप इतना गुस्सा है आखिर, क्यों? केमाल तुम सुन नहीं रहे हो, मैं अपना बिजनेस क्यों नहीं कर सकता हूँ? मेरे पास सिर्फ एक कैची की जोड़ी है और मैं तुमसे और पापा से पूछ के थोड़ी ना मैं मेरा काम करूंगा। सुनो भाई, उस आदमी की नीयत अच्छी नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। ये एक और चीज है जो मुझे बोर करना शुरू कर देती है,
ये मुद्दा हमें या तो परेशान करता है या हमें बहुत ज्यादा दुखी कर देता है। केमल, तुम सच में मेरी कभी भी बात नहीं मानते। आओ और तुम्हारी कुर्सी पर बैठो और अपना काम करो। सच में यहां आओ। आगे से हम खुद का ध्यान रख लेंगे केमल।